जींद से आ रही है। अवैध तरीके से कॉलेज में जो युवक घुसा है उसकी पिटाई का ये मामला, महिला पुलिसकर्मी ने इस छात्र की पिटाई करी है। तो आईडी कार्ड मांगने पर गार्ड से हाथापाई भी की थी इस युवक ने। तो ये जो युवक है अवैध तरीके से कॉलेज में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पकड़ा गया और पुलिस ने उसकी जमकर धुनाई भी कर दी है। राजेश जागलान है हमारे साथ संवाददाता। राजेश, कौन है ये छात्र जो जबरन कॉलेज में घुसने की कोशिश कर रहा था? ये जो छात्र है ये आउटसाइडर है, ये किसी यहाँ पर ना तो जींद के अंदर ये किसी कॉलेज का छात्र है, ये केवल बारी छात्र है, गांव का ये छात्र बताया जा रहा है। और ये जो ये छात्र है ये कई दिन से इस कॉलेज के अंदर एंट्री करता था और यहाँ पर जो छात्र है उनके साथ छेड़खानी करता था, बदतमीजी करने के लिए यहाँ पर आता था। छात्राओं द्वारा जो इसकी शिकायत यहाँ पर जो कॉलेज के गार्ड है गार्ड को की गई, गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की और इसे आई कार्ड मांगा तो उसने गार्ड के साथ भी हाथापाई की और उसके साथ मारपीट करने लगा। क्योंकि कई दिन से यहाँ पर जो शंका जताई जा रही थी कि ये जो छात्राओं का झगड़े होते हैं ये कारण ये जो आउटसाइडर है कॉलेज के आउटसाइडर है वही आकर यहाँ पर झगड़ा करता है कर रहे हैं। और यहाँ जो पुलिस को दुर्गा शक्ति है जो महिला की एक टीम बनाई हुई है वो भी यहाँ पर कॉलेज के समय में तैनात रहती है, गार्ड को के साथ हाथापाई करते देख तो पुलिस ने कि जो महिला सब इंस्पेक्टर है उसने इसको वहां से गिरफ्तार किया है और इसके साथ भी मारपीट पुलिस ने भी इसके साथ अच्छी तरह इसकी कुटाई की है ताकि किसी प्रकार की यहाँ पर जो कॉलेज के अंदर आकर ये छेड़खानी करते हैं और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हैं इसलिए यहाँ पर पुलिस लगाई हुई थी और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। देख रहे हैं आप कैसे कॉलेज में घुसने की कोशिश कर रहा था, शिकायतें भी इसकी कई आई और उसके बाद जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पुलिस ने कुछ ऐसा इसका हाल किया।